फ्री करंट इलेक्ट्रिसिटी, जितना पोर्शन हम कर चुके हैं उसके बाद कुछ खास नहीं बचता इसमें। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है ना, जरा समझो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हें पढ़ना क्या है? अब तक हमने पढ़ा चार्ज एट रेस्ट थ्रू आउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज एट रेस्ट। तो अगर चार्ज रेस्ट में था, मान लीजिए चार्ज रेस्ट में, तो ये किस किस चीज की सोर्स है? चार्ज एट इज अ सोर्स ऑफ, अगर एक चार्ज रेस्ट में तो ये सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये सब है अगर चार्ज आपका रेस्ट में। अगर चार्ज मूव करना शुरू कर दे, इस चैप्टर में हम देखेंगे चार्ज मूव कैसे करता है। तो अगर एक चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो उसे आप चार्ज मोशन में आ गया, और जैसे ही चार्ज मोशन में आ गया उसी को आप करंट कहते हैं। सो करंट कोई नई चीज नहीं है भाई, चार्ज रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, चार्ज मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ एक चीज और आ जाएगी, करंट। सो करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के मोशन की वजह से एक क्वांटिटी आती है विच इज करंट, और फिर यही करंट मैग्नेटिक फील्ड देना शुरू कर देगा जिसे चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो सिलेबस ना बड़ा सीक्वेंस में, पहले कहता है चार्ज रेस्ट में है तो फर्स्ट 2 चैप्टर्स बन जाते हैं, फिर चार्ज मूव करना शुरू करता है तो चैप्टर नंबर 3 में करंट पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 में उस चार्ज के मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी 4, 5, 6 उसी की कहानी है, उसी से रिलेटेड है। फिर हम पढ़ते हैं आखिर में जाकर कि करंट मैग्नेटिक फील्ड से कैसे आएगा, अब सीक्वेंस की बात। इतना लिख लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं चार्ज मोशन, इतना लिख ले तो बताइएगा मुझे। चलिए अब एक चीज और देखिएगा, ये चैप्टर किस सीक्वेंस में है आपके पास? चैप्टर के ना कई पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स में है चैप्टर आपके पास। जैसे आपको पढ़ना है करंट थ्रू मेटल, कि मेटल से जब करंट पास होगा तो क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, मीन्स आप बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर जाकर देखोगे कि यहां हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आप सर्किट्स पढ़ेंगे, कुछ सर्किट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़े बहुत सर्किट्स बचे हुए हैं वो सर्किट्स आप स्टडी करेंगे। सर्किट्स के बाद आप इंस्ट्रूमेंट्स खत्म करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं, करंट, सर्किट्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी लिख लो, करंट थ्रू मेटल पहले स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ आप में से ज्यादातर लोगों का बैकअप खत्म हो जाएगा। भाई मैग्नेटिक्स का किसे बैकअप चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने तो करंट से ज्वाइन कर लिया था, बट कुछ ने करंट के बाद ज्वाइन किया था। मैग्नेटिक्स का किसे बैकअप चाहिए,
ठीक होनी चाहिए, तो मेरी क्लास यही इसी चैप्टर के बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा। अबू हुरैरा को चाहिए, फायका को चाहिए मैग्नेटिक्स। अच्छा अबे तुम सब, अच्छा चलो मैग्नेटिक्स का देते हैं बैकअप। मैग्नेटिक्स के बाद भी दूंगा मैं किसी भी चीज का, मतलब ऐसे नहीं कि तुम छोड़ते हुए चले जाओ, चैप्टर छोड़ते चले जाओ, मैं पूरे साल बैकअप ही देता रहूं। चलिए मैग्नेटिक्स मैं पूरा करा दूंगा। बस मैग्नेटिक्स तक ही कराना है, मैग्नेटिक्स के बाद का सब आप लोग कर चुके हैं, मैग्नेटिक्स करा दूंगा। चलिए खैर ये आप लोगों ने लिख लिया। सो स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? देखिए इलेक्ट्रिक करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो भी होगा उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहें। तो आप इसको ऐसे स्टडी कर सकते हैं कि आपको एक कंडक्टर दिया है, ये आपको कंडक्टर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज ए, इससे कुछ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है डेल्टा टी टाइम, ये एरिया है इससे डेल्टा क्यू चार्ज जाता है डेल्टा टी टाइम के अंदर। सो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोज थ्रू कंडक्टर इन टाइम डेल्टा टी। तो भाई डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज कंडक्टर से फ्लो कर जाता है, तो जो करंट होगा ना कंडक्टर से, करंट थ्रू कंडक्टर, तो भाई आपके कंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है दैट करंट इज, दिस द डेफिनेशन ऑफ करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो दिस करंट इज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। जब मैं डेल्टा लेता हूं तो ये जो करंट मैं यूज कर रहा हूं दिस इज एन एवरेज करंट। अगर मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस अगर करंट चाहिए तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए आप लिमिट ले लो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। तो जैसे ही आप ये लिमिट लोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी जो है वो हो जाएगा डी क्यू ओवर डी, तो आपका इंस्टेंटेनियस करंट आ गया डी क्यू ओवर डी। चार्ज को टाइम की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो जो करंट होगा दैट करंट इज इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट एक चीज और देखिएगा, करंट है स्केलर क्वांटिटी, करंट है स्केलर क्वांटिटी, SI जो यूनिट होगी करंट की एम्पियर, SI यूनिट इज एम्पियर, करंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है उसमें से एक है। एक और चीज आप याद रखेंगे, करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कितना एरिया होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ
area of cross section. ये current area of cross section से बिल्कुल independent होता है, ये depend नहीं करता कि कितना area है आपके पास. चलिए इतना लिख लीजिए. भाई इतना आप लोग लिख लें तो बताइए सर अब करते हैं. निशान हुआ को मैं रब कर रहा हूं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चंस देखिए जरा. चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is, भाई एक कंडक्टर से कुछ इतना चार्ज फ्लो कर जाता है 3t² + 2t + 1t इतना चार्ज फ्लो कर. कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट. करंट इन टाइम इंटरवल t equal to 0 to t equal to 2 seconds. Second चाहिए current at t equal to 2 seconds. देखिए first part में जब time interval दिया है ना, that means वो आपसे कहता है average current निकालिए. Second part में कहता है instantaneous current. सॉल्यूशन देखिए. एवरेज करंट जो होगा इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी. इट्स क्यू टू माइनस क्यू वन बाय टी टू माइनस टी. तो देखो टी वन जो आपको दिया है ना, टी वन इज जीरो सेकेंड. तो Q1 जो होगा इसमें T की जगह जीरो रख दो. तो इसमें जब तुम T की जगह जीरो रखोगे, इट्स 3 × 0² + 2 × 0 + 1. तो ये Q1 आ गया, इट्स 1 कूलम. ऐसे ही T2 है आपका 2 सेकेंड्स. तो Q2 जो होगा दैट्स 3 × 2 + 1 = 12, 16, 17, 17 − 1 / 2 − 0 = 16/2 = 8. सनफ जीशान तबस्सुम सबका सही आ गया था. अब इसके बाद जब सेकेंड पार्ट करेंगे तो करंट एट टी इक्वल टू टू सेकेंड्स, तो करंट को आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज डी ओवर डी टी ऑफ क्यू. तो करंट आ गया डी ओवर डी टी ऑफ क्यू विच इज 3t²
प्लस टू टी प्लस वन। तो देखिए करंट आ गया, थ्री तो अलग चला गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू टी आ जाएगा, टू अलग चला गया, डी ओवर डी टी का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, वन का डेरिवेटिव जीरो। तो करंट का एक्सप्रेशन आया 16t प्लस टू, टी इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो जब आप टी इक्वल टू टू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आई आ गया 16 × 2 प्लस टू 12 + 2 = 14। तो ये आपके करंट का एक्सप्रेशन आ गया कि करंट 14 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। तो 8 एम्पीयर एवरेज है, दो t इक्वल टू टू सेकेंड पर जो इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 14 एम्पीयर। चलिए इतना लिखिए, चलिए सब लिख चुके हैं, इसको रब कर रहा हूं। एक चीज और याद रखिएगा, नोट कुछ नोट याद रखिएगा, बेसिक बेसिक चीज है। अगर मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं विच इज चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ, मान लीजिए ऐसे करके मैंने आपको चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दे दिया, ये मान लीजिए ये एंगल थीटा है, मुझे टैन थीटा चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। परपेंडिकुलर चार्ज के पैरेलल है, बेस टाइम के पैरेलल। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यहां जो स्लोप होगा वो टैन थीटा के इक्वल होगा, जो चार्ज बाय टाइम होता है जिसे आप करंट कहते हैं। तो यहां स्लोप आपको करंट देगा। अब अगर यहीं पर मैं आपसे कहूं कि ये जो ग्राफ है ना, ये आप करंट वर्सेस टाइम है, आप स्लोप मत कैलकुलेट करना, स्लोप से कुछ नहीं मिलेगा, एरिया कैलकुलेट करो। जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा ये आपको करंट और टाइम का प्रोडक्ट देगा जिसे चार्ज कहते हैं। जो भी एरिया आएगा वो आपको करंट और टाइम का प्रोडक्ट दे देगा। So, अगर चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो स्लोप करंट देगा, अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो स्लोप चार्ज देगा, एरिया अंडर द ग्राफ चार्ज देगा। लिख लीजिए, इसको लिखिएगा, ये काम आएगा आपके क्वेश्चंस। चलिए लिख लिया, रब कर रहा हूं इसे मैं। अब
अब देखिए नेक्स्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट फिलोसफी। ये यूज करते हैं हम करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। तो अगर आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है, उससे जब करंट पास होगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। देखिए आपको एक कंडक्टर दिया। अच्छा यार इससे पहले सॉरी एक एक छोटी सी चीज रह गई है, पहले उसे हम डिस्कस करेंगे फिर आएंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट देख लो फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। डायरेक्शन ऑफ करंट, सो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो वही है जो पॉजिटिव चार्ज के मोशन का होगा। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम डायरेक्शन ऑफ इज सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो जिस डायरेक्शन में भी आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा वही एक्चुअल आपकी करंट का डायरेक्शन। ये आप ऐसे लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट to that of motion of negative charge. So current ka direction wahi hoga jo negative charge ke direction ke opposite jayega. Means agar ye positive charge hai, ye is direction mein move karta hai v velocity se, to current yahi hoga. लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है, ये इस डायरेक्शन में जाता है वी वेलोसिटी से, तो करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। ये जो मैंने आपको डायरेक्शन बताया ना, ये करंट का नाम होता है कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन है। और जब भी हम करंट कहते हैं दैट मींस कन्वेंशनल करंट। अगर मैं कहीं मेंशन नहीं कर रहा दैट मींस हमेशा कन्वेंशनल करंट। जहां भी पॉजिटिव चार्ज जाएगा उस डायरेक्शन में या नेगेटिव चार्ज के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर मैं सेल दे दूं, इट्स ऑलवेज हाई टू लोअर पोटेंशियल इन अ सर्किट डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम हाई टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर मैंने एक सर्किट ले लिया ऐसा, उसमें करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, तो सर्किट में हमेशा हायर से लोअर पोटेंशियल जाएगा। ये कन्वेंशनल करंट, इतना लिख लीजिए।
चलिए इसको मैं रब करूं। अच्छा इसमें एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट ले आए तो जो डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल वही होता है जहां नेगेटिव चार्ज मूव करेगा। तो इसको ना अलग से लिखना, हम कभी इलेक्ट्रॉनिक करंट पढ़ेंगे नहीं, बट जस्ट बता रहा हूं आपको कि इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है इस सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। जहां नेगेटिव चार्ज जाएगा वहीं आपका कन्वेंशनल करंट जाएगा। सेम एज दैट ऑफ मोशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, जहां नेगेटिव चार्ज जाएगा वहां कन्वेंशनल करंट होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कन्वेंशन ये इलेक्ट्रॉनिक करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के मोशन का सेम होता है। बट जब भी हम करंट पढ़ेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, By default your current is conventional, not electronic. चलिए देखिए, बस इलेक्ट्रिक करंट जनरल टर्म, तो कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही इलेक्ट्रिक करंट है। लेकिन जब हम कन्वेंशनल या इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं तो बड़ा प्रिसाइज हो जाता है। तो कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जी सिर्फ डायरेक्शन का फर्क। देखिए ये आपको एक कंडक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। अब जब भी आप कंडक्टर लोगे, कंडक्टर में दो चीजें होती हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, और एक आयंस होते हैं। लंबी कहानी है ये, जरा ढंग से सुनना है। कंडक्टर में मैंने कहीं भी कोई वोल्टेज सेल वेल कुछ कनेक्ट नहीं किया। हर इलेक्ट्रॉन के पास कुछ थर्मल एनर्जी होगी। रूम टेम्परेचर पर रखा है कंडक्टर, हर इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी होगी। उस थर्मल एनर्जी की वजह से हर इलेक्ट्रॉन के पास एक वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर। एक वेलोसिटी होगी जिससे सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे। ये कुछ ऐसा है, थर्मल एनर्जी की वजह से वेलोसिटी। अगर आप किसी कंटेनर में वाटर लें, उसे बॉइल करना शुरू करें, जैसे जैसे आप हीटअप देते चले जाओगे, वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं। भाई किया आपने ऑब्जर्व? ये
एक कंटेनर में पानी रखो और उबालना शुरू कर दो, तुम्हें देखेगा वाटर मॉलिक्यूल्स कूदना शुरू कर दो। अरे देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो वो एनर्जी कहां से आई वाटर मॉलिक्यूल्स में? कूदना शुरू कर दिया, वो वेलोसिटी कहां से आ गई? किसने दी? हाँ जी, थर्मल एनर्जी से। बहुत बढ़िया। हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी से वो वेलोसिटी आ। वेरी गुड। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेट यू वन यू टू यू एन बी थर्मल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उसी थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर, थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल वेलोसिटी। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी। जब आपको एवरेज थर्मल वेलोसिटी अगर चाहिए, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, इसको ऐसे लिखते हैं यू एवरेज। तो देखिए यू एवरेज होगा यू वन यू टू यू एन डिवाइडेड बाय एन, सबको आप कैंसिल कर दीजिए, जीरो आ गया। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है यू वन प्लस यू टू अप टू यू एन बाय एन, जो जीरो होती है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो उसी टाइम पे दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एवरेज थर्मल वेलोसिटी होने का, जीरो होने का मतलब है इट मींस नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका नेट मूवमेंट जीरो है, कोई नेट मूवमेंट नहीं मिल रहा। इतना लिखिए, इसे रब करेंगे फिर देखेंगे सेल लगाने पर क्या फर्क पड़ता है। इतना लिखिए पहले, बहुत पार्ट्स हैं इस डेरिवेशन में। पहला पार्ट ये, यहां तक समझिए, लिखिए, फिर नेक्स्ट देखिए। चलिए चलिए, इतना लिखा आप लोगों ने, नेक्स्ट देखिए। हाँ, इलेक्ट्रॉन के पास फायदा ऐसी आ रही कि इलेक्ट्रॉन रूम में रखा, रूम में जो टेम्परेचर है वो जीरो केल्विन से तो ज्यादा ही होगा। रूम टेम्परेचर भी 300 केल्विन होता है, तो जहां टेम्परेचर है वहां इतनी एनर्जी होगी। तो रूम टेम्परेचर में भी एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी की बात करें। अब आपने क्या किया, इस कंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर दिया। अब भाई देखो, सेल से कनेक्ट करने पर होता क्या है, ये तो आपको पता होगा कि सेल से कनेक्ट करते ही जैसे आपने इसे सेल से कनेक्ट किया तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। अब देखो सेल ऐसा क्या करता है कि यहां करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जैसे ही आपने कंडक्टर को सेल से कनेक्ट किया, सेल का, अच्छा एक चीज और लिख लेना, सुनो, एक चीज और लिख लेना। ये जो पॉजिटिव मैंने बनाया ना, ये आयंस है और ये आयंस इमोबाइल होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते।
ये मोबाइल आयंस मूव नहीं कर सकते। तो जैसे ही आपने इसे कंडक्टर से कनेक्ट किया यहां पर फील्ड एग्जिस्ट कर गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर गई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। तो जो मैं ब्लू से दिखा रहा हूं ना और जिस पर एफ लिख रहा हूं, ये फोर्स हर इलेक्ट्रॉन पर फील्ड अप्लाई करेगी। हर इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करना शुरू करेगा। तो इसके ऐसे लिखते हैं, ऑन कनेक्टिंग कंडक्टर विद सेल एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। भाई बताओ यहां तक कहानी आई आप लोगों के समझ में? चलिए अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कहानी कैसे जाती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करेगी वो फोर्स क्या होती है, क्यू माइनस ई ई, दैट इज इक्वेशन नंबर वन। इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, दैट फोर्स इज माइनस ऑफ ई। सो इफ एम ई इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन हाँ जी इक्वेशन टू, तो देखो मोटा मोटा समझा दूं तुम्हें होगा क्या, फोर्स अप्लाई करेगी, फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मुझे वो वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, बस इतनी मेहनत इसीलिए हो रही है। फील्ड आई, फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाई, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे उसी को आप एक्सेलरेशन कह दोगे। देन एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो हर इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन हो जाएगा, इट्स फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट्स माइनस ऑफ ई ई बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वेशन नंबर। तो हर इलेक्ट्रॉन का ही एक्सेलरेशन भी आ गया। भाई यहां तक बताइए कोई परेशानी, इतना लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के ऑपोजिट होता है। तो सैफ अगर फील्ड इस डायरेक्शन में है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करे। इतना लिख लीजिए, अभी दो पार्ट्स और हैं इसके।
जल्दी जल्दी लिखो। कुछ चीजें बताइए मुझे, यही तो है कंडक्टर, बहुत सारे आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। मुझे बताओ कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीधे सीधे मूव कर जाएगा स्मूथली, या बार बार कोलिजन होंगे आयंस के साथ? इतनी तो अकल तुम्हें लगानी होगी, मैं नहीं सिखा सकता ये चीज। चलो भाई, सबको लगता है कि कोलिजन्स होंगे, है ना? इलेक्ट्रॉन आयंस के साथ जरूर कोलाइड करेगा, कोलाइड करते करते आगे जाएगा, तो ये सबकी आम राय है कि ये कोलिजन्स होंगे, और कोलिजन्स होते होते ही इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अब ये सोचना है कि चलो इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड करते हुए आगे जा रहे हैं, कितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी गेन करेंगे? अब इन सब में से कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं उठा के दिखाऊं आपको कि कैसा लगेगा, ये एक आयन है, ये दूसरा आयन है, ये था इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे लगाई फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ी और कोलाइड कर गया, वेलोसिटी जीरो, फिर चला, फिर वेलोसिटी गेन करी, फिर कोलाइड कर गया, फिर वेलोसिटी जीरो। तो कितनी देर के लिए वेलोसिटी गेन कर रहा है? जितना दो कोलिजन में टाइम लगेगा। देखो कहानी सुनते जाओ, बिना कहानी के तो मैथमेटिक्स पता ही नहीं चलेगी कि हो क्या गया। तो कितनी देर के लिए इलेक्ट्रॉन कोलाइड एक्सेलरेट होगा? जितना टाइम उसे दो आयंस के साथ कोलाइड करने में लगता है। तो मैं लिखता हूं लेट टाउ वन, टाउ टू, टाउ एन बी द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कोलाइड with two ions, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को कोलाइड करने में जो टाइम लग गया वो tau वन था, दूसरे इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लग गया वो tau टू था, nth इलेक्ट्रॉन को जो टाइम लग गया वो टाइम tau n था, ये टाइम। तो आपको चाहिए फाइनल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
तो देखो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, पहले इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी मैंने ऐसे लिख दी यू वन प्लस ए टी होता है ए टाउ वन आ गया, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये आ गई यू टू। भाई एक्सेलरेशन तो सबका सेम है, ए टाउ टू आ गया। ऐसे ही मैंने वी एन लिख दिया यू एन प्लस ए टाउ एन आ गया, इसे मुझे टू लिखना चाहिए था तरीके से, ये टू होना चाहिए था, ये टू हो गया। अब बताइए आप मुझे यहां तक क्लियर है कि परेशानी है कुछ? भाई बताइए क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? इतना लिख लीजिए, इसे मैं रब करूंगा, फिर एक दो पार्ट्स और हैं। करी करी चलिए ये भी लिख लिया। अच्छा अब एक बात बताओ मुझे, कंडक्टर में हर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अलग वेलोसिटी से, तुम्हारी अकल क्या कहती है? जब तुम करंट ऑब्जर्व करोगे तो वो करंट क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन हर इलेक्ट्रॉन की वजह से अलग करंट देखोगे आप, या आप एक एवरेज करंट ऑब्जर्व करोगे? तो आप जब ऑब्जर्व करेंगे आप एवरेज करंट ऑब्जर्व करेंगे, और एवरेज करंट का मतलब है एवरेज वेलोसिटी। देखो वी एवरेज ऐसे आ जाएगा, वी वन में वी टू ऐड किया, वी एन डिवाइडेड बाय सारी वैल्यूज यहां रख दीजिए। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे तो वी एवरेज हो जाएगा वी वन इज यू वन प्लस ए टाउ वन, वी टू इज यू टू प्लस ए टाउ टू, Vn is un plus a tau by, तो v average आ जाएगा u1 plus u2 up to un by n plus a tau1 a tau 2 a tau n by n. So v average is u1 u2 un by n
प्लस ए एक्सेलरेशन कॉमन आ गया, क्या बचा? टाउ वन, टाउ टू, टाउ एन वन। अब इसमें कुछ टर्म्स देखिए, इसे मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 हो गई थी 7th, भाई याद है, क्लियर है 7 तक? चलिए इतना लिखिए, फिर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करेंगे। तो इस एवरेज वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। चलो भाई आज यही छोड़ेंगे, मंडे कंटिन्यू करेंगे।